आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का सेटल डाउन, आप सभी लोगों का अभिनंदन है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत उत्सव में शरीक होने के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। साधु संत समाज पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैम आप या तो बैठ जाइए या तो कहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आराम से, आराम से, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है कि एक बार अगर मौका लगे आपका तो कुंभ में आइए प्रयागराज में, और अगर प्रयागराज कुंभ में नहीं आए तो इस माघ माह में जरूर आइए पूरी तरफ। मैं कहूंगा पाजी, मैं प्रोग्राम शुरू करूं उससे पहले एक बार जरा ऊपर कैमरा जो प्रयागराज का जो दृश्य है पूरा दिखाना चाहिए। जय हो। जो ऊपर ये पूरी जो पूरी नगरी है इस वक्त, पूरी नगरी इस समय जगमग हो रही है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आए सब कोई। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जी, चुपचाप बैठिए तभी आनंद होगा। ठीक है, ठीक है, आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि भगाते मुझे देर नहीं लगेगी आपको, ये बात तो मुझे। आराम से, आराम से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जी, मैं इस बात का माहिर हूं, इसका माहिर, मैं जिस स्कूल में ये है उसका मैं वाइस चांसलर ही मानिए, प्रिंसिपल नहीं, मैं इसमें कोई देर नहीं लगाऊंगा। मेहमान जो है मैं उनका सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा। देवेंद्र नाथ मिश्र जी जो आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकुंद तिवारी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हरिप्रकाश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी का यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप कैसे यहाँ पे? सर बुलाया था रिजर्वेशन में। जी आप बिल्कुल पीछे पीछे, बिल्कुल उसके पीछे जाएंगे ना मैम, बिल्कुल नहीं, ये तरीका नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जी पीछे बैठिए। सर्वेश यादव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजकुमार शुक्ला जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। और जो हमारा साधु संत समाज है, पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं और फिर मैं परिचय देता हूं। स्वामी महिषाश्रम महाराज जी संरक्षक हैं अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद से, मैं उनका अभिवादन करता हूं, बहुत 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 प्रणाम करता हूं। कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारा सौभाग्य कि आपका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। दंडी स्वामी आपका मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे साथ राजेंद्र पालीवाल तीर्थ पुरोहित जी हैं, बगैर उनके तो काम होता ही नहीं है, तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बातचीत का सिलसिला मैं जरूर शुरू करना चाहूंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले मैंने प्रारंभ किया तो मैं वृंदावन में था, ब्रज की नगरी से होता हुआ मैं अवध पहुंचा लखनऊ में, लखनऊ से मैं संगम तक आ गया और संगम से मुझे विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी तक पहुंचना है। उसके बाद मैं वहीं जहां सबका नजर और सबका इशारा है मैं वहीं पहुंचने वाला हूं, यानी अयोध्या। सच तो यह है कि आप सब शायद ना जा पाए, लेकिन मैं एक बात आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सारे लोग जो स्क्रीन पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं सबका स्नेह सबका प्रणाम लेकर वहां तक पहुंचूंगा, ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बताता हूं। अब मैं रोज तो यही होता है कि डिबेट शुरू होती है, कोई ना कोई पॉइंट से होती है, लेकिन मैं आज आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिसको भी बोलना है, जिसको भी बात कहनी है, अपना अनुशासन के साथ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात है आज, तो मर्यादा में रहकर आप जब अपनी बात कहेंगे तो मुझे आनंद होगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं, परिचय जानना चाहता हूं आपका। परिचय मेरा है सतीश चंद तिवारी, मेरा नाम है जी, और मैं ओम गायत्री नगर में रहता हूं जो सलोरी का इलाका है। अच्छा, ओ, मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, धर्म के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं यहाँ पर जो है, जो यहाँ की समस्याएं हैं उनके बारे में जरूर कहिएगा, जरूर कहिएगा। मेरा आना कम होता है इधर, मैं प्रयागराज बहुत दिनों के बाद लौटा हूँ,
लेकिन ये बात सच है कि 24 के आखिर में जब आपका यहाँ पे सब कुछ जमने लगेगा तो यहाँ लगभग एक डेढ़ महीना मैं यहीं रहूंगा, एक डेढ़ महीने के लिए मैं यहाँ आऊंगा, तब बातचीत बहुत अच्छे तरह से और विस्तार से होगी। लेकिन ठीक है, युवा लोग हैं और जब मैं प्रयागराज में मौजूद रहता हूँ तो युवा लोग अपने आप आते हैं और जुड़ते हैं और वो अपनी बात कहने के लिए आते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सारे लोग स्वागत कर रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी मेरी तरफ देख रही, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, प्रवक्ता मेरी तरफ देख रहे हैं और वो मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैं आप ही से शुरुआत कर लेता हूँ कि आखिर चल रहे हैं 22 तारीख को कि नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल सर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रण मिला, उन्होंने सादर स्वीकार किया, उन्होंने लिखा कि जो है एक कार्यक्रम के बाद आप कार्यक्रम अपना कर लीजिए सकुशल, उसके बाद हम दर्शन करेंगे सब परिवार। देखिए ये 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 भी निज भाव से कहा है और बीच में बीजेपी वाले थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। मैं जानना चाहता हूँ आपने मुस्कुराया क्यों? वह तो कह रहे हैं कि परिवार के सहित जाऊंगा और विनय के साथ इन्होंने कहा कि मैं दर्शन करूंगा, आप मुस्कुरा दिए। स्वागत है इस पहल की। हाँ, और कम से कम हृदय से है, इन्होंने कहा मैं हृदय से, आप मैं भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हाँ, उनके इस वक्तव्य का स्वागत करता हूँ। कांग्रेस वाले चुप क्यों है इतना? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, CLP श्री आराधना मिश्रा मोना जी और हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी सरयू नदी में स्नान करके और वहां पर दर्शन करके आ गए। भारतीय जनता पार्टी वाले तो अभी तक गए नहीं, हमें कब जाना है कैसे जाना है ये हम तय करेंगे। महाराज जी आप नहीं तय करेंगे, तय वो खुद ही करेंगे, उन्हें कैसे जाना है कब जाना है। और आप तो हनुमानमय हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही इसीलिए ये कार्यक्रम ही हनुमान मंदिर पे आपने रखा है। और राम भक्त थे हनुमान, राम भक्त थे हनुमान, और मुझे जय श्री राम कहने में गर्व महसूस होता है और मैं उस सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज भव्य मंदिर जो राम भगवान का बन रहा है ये सुप्रीम कोर्ट की देन है। लोग इस पे चुनावी रिबन काटने पहुँच गए। हाँ जी, ग्वालियर से आए, आपका स्वागत है। तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि भाई हम भी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, आप अकेले नहीं हैं। नहीं, पूरा देश राम है, विश्व राम है इस समय, इसमें कोई नहीं, हम तो स्वागत करते हैं सभी दलों का। हाँ। राजनीतिक दल जितने भी हैं। हाँ। पूर्वाग्रह से ग्रसित न होके। हाँ। आज भगवान राम का जयकारा करें, भगवान राम सबका कल्याण करेंगे। लेकिन उन्होंने एक लाइन आखिर में जोड़ी है, वो तो राजनीतिक कारण है कि आप रिबन, चुनावी रिबन काट रहे हैं, परंतु के साथ अपनी बात करने के आदि हैं। ये तो राम को सियासत की निगाह से देखते हैं, जो राम तुलसी के थे वो राम आज कुर्सी के हो गए इनके वजह से। पता नहीं ये कहाँ से आए हैं, राम जो तुलसी के थे वो कुर्सी के हो गए और उसका सीधा श्रेय इनको जाता है। अरे राम साध्य है, साधन नहीं होना चाहिए, हम तो राम के पुजारी हैं, व्यापारी नहीं है, ये सांस्कृतिक धार्मिक नगरी है। जबरदस्त। हाँ जी भैया, क्या नाम है? मनीष पांडे। मनीष पांडे जी क्या काम करते हैं? हम प्रतियोगी छात्र हैं। तो पहले तो आपकी प्रतियोगिता में जिसमें आप बैठना चाहते हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सफलता मिले, अपार सफलता मिले और आप सफल होके आगे आए। जी अब सवाल पूछिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि वो साधन नहीं साध्य हैं, वो तब कहाँ थे जब वो त्रिपाल में बैठे थे? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो तब कहाँ थे? वो तब कहाँ थे जब त्रिपाल, उन्होंने कहा कि भाई कानून की दृष्टि से चल रहे थे, जब कानून ने फैसला दिया तो उसके अनुरूप हम आगे। जिसके ये भक्त हैं वो कहाँ थे जिन्होंने वादा किया था कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे? ये राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत से हो रहा है, इनका कोई श्रेय नहीं है। तो एक बात बताइए गुरु जी, श्रेय लेने का हक इनको नहीं है, राम तो सबके हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है, राम सबको, कम से कम इसी बहाने ये भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, उनके जयकारा लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हलफनामा दिया है, पूरे देश ने देखा है कि भगवान श्री राम का मंदिर में जो भी अवरोध हो सकते थे पूरे तन मन धन से इन लोगों ने प्रयास किया। ये तो मैं सर्वोच्च न्यायालय के साथ अपने नेतृत्व को बधाई देता हूँ, उनके नेतृत्व में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इनके नेतृत्व में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तमाम सारे लोग मौजूद हैं, हाथ भी मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों को उठ रहे हैं। हाँ जी, हाँ भैया, उतनी दूर चलेगा कैसे, मैं आऊंगा पास तक। ये कहते हैं
कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इनकी औकात है राम। भैया क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अंकित गुप्ता, बल्ली नाम हमारा। अंकित गुप्ता बल्ली। माँ बल्ली वाला सवाल पूछा है तुमने एकदम। अंकित वाला सवाल होता तो मेरे समझ में आ जाता कभी बार, मैं आपका भी परिचय करता हूँ। बल्ली वाला सवाल है तुम्हारा इलाहाबाद का, क्या बात है। बिल्कुल एक मिनट एक मिनट, गुप्ता जी गुप्ता जी, देखिए देखिए सवाल पूछिए, ये औकात क्या होती है। अरे गुप्ता जी आप स्वयं तो अपमानित हो ही रहे हैं, परिवार की तरफ भी आईना दिखा रहे हैं। ये नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए जी, ये नहीं होना चाहिए। सवाल पूछिए, यहाँ दंडी स्वामी बैठे हैं, महामंडलेश्वर बैठे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना, अच्छा नहीं लगता जी। हाँ भैया, एक कांग्रेस वाले भैया बोले हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर का निर्माण हो रहा। इससे पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट था, उस टाइम क्यों नहीं राम मंदिर का निर्माण हो सका? वो कह रहे कि समय लगा होगा, समय के अनुरूप आए। जी भैया मैं आ गया, एक एक करके आता जाऊंगा मैं जी। जी भैया ये कैसा राम राज्य, हम लोग 68 शिक्षक भर्ती चयनित है, 2 साल मैं यही सोच रहा था अभी तक भैया आए क्यों नहीं कोई, कर रहा हूँ हम लोग न्याय कब तक मिलेगा, 2 साल संघर्ष करें, बाबा जी का कैसा राम राज्य है। मैं 68 जी, मैं एक 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 नहीं ऐसा नहीं पूछूंगा आराम से। मैं आपको, मुझे मालूम था, मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही ये बात बोली कि यहाँ पे अगर मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ तो युवा और वो शिक्षक, एक एक करके बोलते जाइए तो मैं सबकी बात सुनूंगा। जी महाराज जी मैं जरूर मैं आपकी बात का और बड़ी शुभकामनाओं के साथ और बहुत बहुत संवेदनशीलता के साथ आपके सवाल को मैंने सुना। एक मिनट देखिए, मुझे मालूम है कल भी वहां पे थे, मैंने कल भी नहीं देखे ऐसा नहीं मैं सारी बात सुनूंगा, लेकिन नहीं नहीं देखो मेरी बात सुनो। मुझे मालूम है आप आए हैं, आपकी एक जना कोई बात कहेगा मैं उसकी एक शख्स की बात पूरी की पूरी लूंगा जी, ऐसे नहीं। जैसे नहीं देखिए, एक बार मेरी बात सुनिए, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता मैं, चुपचाप खड़े रहिए, मैं आपके पास आऊंगा आराम से मैं समय दूंगा, लेकिन नहीं जबरदस्ती नहीं, चुपचाप खड़े रहिए। मैं कहां बाबूजी आए, कहां से आना हुआ? गांव कमालापुर लाल गोपालगंज जी। कैसे इधर कैसे? हम भैया जी को देख रुक गए, बड़ी खुशी की बात हुई भैया जी। देखो हाँ जी, जैसे आपको देख रुके हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। भैया जी का कार्यक्रम चल रहा था तो रुक गए। हाँ आप अपना पोस्टर रखिए, अपनी बात रखिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आराम से तसल्ली के साथ मैं सुनूंगा। मैं सबसे पहले दंडी स्वामी जी के पास आना चाहता हूँ। महाराज जी तमाम तरह की बातें, लेकिन उसमें राम का नाम जो है सबसे प्यारा है, उस पर तो कहीं कोई विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें। लेकिन जी देखिए, अगर अभद्रता करेंगे तो मैं प्रोग्राम 2 मिनट के अंदर बंद कर दूंगा अब, और अगर शालीनता से खड़ा होना नहीं आता तो वो मुझसे सीख लीजिएगा, शांति से चुपचाप। हाँ हाँ महाराज, जबरदस्ती कोई नहीं, आराम से सुन लूंगा जी। देखिए राम अनंत हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। जहि क्षण रघुपति जस कर ही सो तस तेहि क्षण होए, ना कोई पार्टी राम को बना सकती, ना कोई व्यक्ति बना सकता है। राम जी की इच्छा अब मंदिर बनवाने की थी तो पहले कैसे बन जाता? राम की इच्छा ही अभी हुई मंदिर बनाने की तो पहले कैसे बन जाता? आप हाथ उठा रहे थे बीच में जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। तमाम चीजों को माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यादेश ला के पास कर देते हैं, क्या इस पे इतने 2014 से सरकार चल रही थी, अध्यादेश नहीं आ सकता था? अरे हाय हाय हाय, ये राजनीति और राजनीति की धार भी बड़ी जबरदस्त होती है जी। जनाब चित्त भी मेरी पट भी मेरी, हम ना बनाए तब आरोप, आज बना रहे हैं हजम नहीं हो रहा है उसका, नहीं ठीक है हम नहीं बना रहे हैं। ये देश की जनता जो चाह रही थी, करोड़ों करोड़ हिंदू, 140 करोड़ हिंदुओं का ये देश है, और देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको राजनीति रंग देने वाले चाहे जितना कुछ प्रयास कर ले, भगवान श्री राम मंदिर विराजेंगे और पूरे देश में वो
बहुत 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 कभी मैं आ जाऊंगा, आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। कविवर महोदय, मैं आपका परिचय नहीं दे पाया था। शिवम भगवती जी कुछ लाए हैं क्या? जी ऐसे खड़े हो जाए तो भैया लोगों का पोस्टर भी दिख जाएगा, ठीक है ना जी। राम जी पर बहुत सी बातें हुई, मुझे नीचे कर लो, ज्यादा प्रयास नहीं, बहुत लंबी लड़ाई है तुम्हारी। मुझे लगता है कि राम मंदिर बनने के साथ साथ ये भी होना चाहिए, पंक्तियां है, निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है, पितु वचनों का धर्म निभाना पड़ता है, राम राम कहने वाले ये भूल गए, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है। और राम जी में कहीं ना कहीं माता सीता माता जानकी खो जा रही हैं, लेकिन उन्हें खोना नहीं है, मैं माता जानकी को भी याद कर रहा हूँ। धर्म हेतु गीता बन जाना पड़ता है, नियति की प्रीता बन जाना पड़ता है, किसी पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे नारी को सीता बन जाना पड़ता है। बड़ी वेदना के साथ, मैं आपका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, आप महामंडलेश्वर जी के साथ आई हैं, मैं आपका भी बहुत सम्मान करता हूँ, और सबकी बात सुनी जानी चाहिए और सबकी बात कही जानी चाहिए, तभी तभी उचित होता है। बिल्कुल जी महाराज जी, हाँ जी, कहना है आपको, कहाँ से आना हुआ? खड़े होइए, प्रयागराज से। हम देखिए प्रयागराज बोलने लगे, आप अभी भी इलाहाबाद बोलते हैं जी जी। सबसे बड़ी ये बात है कि महिलाओं का वहाँ पे अपमान हो रहा है, जैसे हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि नारी साथ में कोई प्राण प्रतिष्ठा के लिए होनी चाहिए, और मोदी जी धर्म पत्नी है, उन्होंने तलाक भी नहीं। देखिए मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अंजनी कुमार मिश्रा नाम। अंजनी कुमार मिश्रा जी, वैसे सवाल जवाब देने के लिए दंडी स्वामी भी बैठे हैं यहाँ पे, तमाम उचित लोग बैठे हैं, उनके आगे मैं बोलूँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका उत्तर दिया गया है, और जो यजमान है, जो स्पर्श करेंगे, जो यजमान है, वो नाम यहाँ पे उल्लेखित है जी, वो तो नाम आ ही गया, आपने देखा ही होगा, आप ही के आखिर वाला सरनेम है। तो इस सवाल को क्यों पूछा आपने, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो सवाल का जवाब कोई ना कोई जरूर इस बार जरूर देगा, कोई ना कोई देगा जी। जनाब का, मेरा नाम आशुतोष शंकर वाजपेयी है। हाँ जी। मैं राम जी के बारे में बस ये कहना चाहता हूँ कि जब त्रेता में थे तब भी राम जी अपनी स्वेच्छा से थे, आज 500 साल पहले अगर वो तिरपाल में बैठे थे तो भी अपनी इच्छा से थे, राम मंदिर का आदेश आया तो भी सर्वोच्च न्यायालय में अपनी इच्छा से थे, आज बन रहा है तो भी उनकी इच्छा से था, बस वो ये देख रहे थे कि त्रेता युग से लेके आज राम मंदिर निर्माण तक भक्त कौन और भगत कौन है। भक्त और भगत में फर्क है, भक्त जो निस्वार्थ होता है, जो भगत स्वार्थ स्वार्थ, तो कौन आपकी नजर में कौन है? अब ये तो आप बोले, आप तो ये जानते हैं जी, आप बताएंगे। हाँ जी बोलिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मंच दिया बोलने के लिए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं शिक्षा में? राजनीति विज्ञान से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ वहाँ। कर रहे हैं, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर हो चुका है। कितने साल पहले हुआ? 2020 में। 2020 में जी सर। कौन सा सर? 24 आ गया जी। हाँ, उसके बाद मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। हाँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ, और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में मैंने 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती में परीक्षा दिया था, और उसमें माननीय योगी जी ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है, और अपने डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि 6800 शिक्षकों की जो है लिस्ट दे दीजिए और तत्काल उन्हें नियुक्ति दे दीजिए, लेकिन उसके उनके अधिकारियों ने अभी तक उनको नियुक्ति नहीं दी, माननीय योगी जी के आदेशों का अभी तक पालन नहीं हुआ। अब माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं, मोदी जी का, क्योंकि देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है, और माननीय मोदी जी ने इसी संगम की धरती पे दलितों और पिछड़ों के जो पैर धोए थे, इसी संगम की धरती पर माननीय मोदी जी ने पैर धोए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, हम दलित पिछड़ों की आप कब सुनेंगे? मुझे अब आपकी बात रखने में कहीं कोई संकोच नहीं था, क्योंकि यह कार्यक्रम आम लोगों का है, आम जनमानस का है, इसलिए किसी की भी बात रखी जानी चाहिए, और मैं इस बात को बड़े सहज भाव से लेता हूं, और आपके साथ बहुत सहजता से फैसला हो ये शुभकामनाएं भी देता हूं। लेकिन लेकिन मैंने आपकी बात सुनी, अब सहजता से प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, और मैंने आपकी बात को ले लिया जी। मैं किन्नर अखाड़ा की तरफ जाना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद भी चाहता हूँ,
और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं राम को और राम की चेतना को और राममय इस समय जो पूरा समाज हो उठा है उसको? जी ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अगर मैं निवेदन करूँ आप अगर खड़ी हो जाएंगे तो कोई बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति की नजरिया से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राम भगवान हम सभी का है, भारतवर्षीय हम लोग का पूर्वज है राम भगवान। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि राम भगवान से हम लोग को सीख लेना चाहिए। जैसे अभी 500 बरस के बाद राम भगवान का ये भव्य मंदिर बनने जा रही है, तो हम लोग को सीखना चाहिए कैसे दशरथ ने राम के बिना उनके चरण पादुका ले आके राज्य करना चाहिए, तो अपने भाई को गले लगाना चाहिए, माता पिता के एक उनका अनुरोध से उन्होंने पूरा वनवास 14 बरस अपना जीवन त्याग किए, तो उसको सीखना चाहिए। माता पिता को अपनाना चाहिए और छोटे भाई को प्यार देना चाहिए, बड़े भाई को सम्मान देना चाहिए, एक भाई तो लाना चाहिए। और ये पूरा हमारा किन्नर समाज यही कहता है कि इस समाज में रहने के बावजूद भी ये समाज ने हम लोग को नहीं अपनाया, मगर आज राम युग आ रही है तो ये समाज भी हम लोग को अपना रहे हैं। आज हम लोग को भी सम्मान मिल रही है, हम लोग को भी इज्जत मिल रही है। रामचरित्र मानस में जो हमारे गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखे, देव दनुज किन्नर न श्रेरी सादर मजही सफल त्रिवेणी, तो आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके ही अंग से हमारा भी जन्म हुआ है, तो आप ही के समाज के हम लोग भी एक हिस्सा है, तो किन्नर समाज मंदिर तो बन जाएगा, बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगा, आराम से खड़े रहो, प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, सारे लोग देखेंगे। लेकिन जो समाज में मंथन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वो सच में ये जो मंथन चल रहा है राम को लेकर, राम के चरित्र को लेकर बार बार जो बातें हैं जो सामने आ रही, किसी ने एक सवाल पूछा कि अरे भाई प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, पूरी विद्वता के साथ उन्होंने सवाल रखा था, मुझे कोई संदेह नहीं आप पे, लेकिन आप पे क्यों रखा ये आप ही जानेंगे। लेकिन ये जो मंथन है इसी से राम का रस निकलेगा। कहां से आना हुआ बाबूजी? मैं तो आप ही के लिए आया था इतनी दूर, प्रयागराज से। क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर? हाँ मुझे मालूम था शंकर यहीं मिलेंगे, और कहां मिलेंगे, प्रयागराज में नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे। आगे आइए मेरे पास, कार्य करते हैं कुछ? कहां? फतेहपुर में है। फतेहपुर में किसी सरकारी उसमें है? जी मैं समझ गया था, माथा पढ़ लेता हूं मैं भी थोड़ा थोड़ा, मैं समझ गया था कि थोड़ा सहज संकोच जो है वो सरकारी पद में या सरकारी सेवा में कार्य करते हुए रहता है। कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोरानी। ये पूरी पूरी राम की जो चरित्र है, जो रामचरित मानस है, उसका निचोड़ आपने बोला। सिया राम मैं सबक छुजानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जी कहाँ से आना हुआ? प्रयागराज से। पंकज सिंह नाम है। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है। मैम चली तो नहीं जाइएगा, आगे आ जाइए, आगे आइए जी। पार्टियां खड़ी हैं। हाँ। क्रेडिट तो जाता है मोदी को, ऐसा नहीं है, उन्होंने जो संकल्प लिया आज से नहीं बहुत पहले संकल्प लिया और संकल्प को पूरा किया। आज सभी पार्टी भले कह रहे हैं कि राम मेरे राम मेरे हैं। हाँ। इस संभावनाओं को लोगों को गलत नहीं मतलब गलत कह रहे हैं ये। आप बैठिए। क्रेडिट तो जाता है मोदी को, क्रेडिट मोदी को जाता है, बिल्कुल जाता है, 100% जाता है। नहीं भाई कोर्ट ने बनाया, कोर्ट के फैसले से हुआ, कोर्ट फैसले से हुआ, लेकिन सहयोग तो जो शुरू से उन्होंने अध्याय रचा उनको उठाया, रस आडवाणी जी रथ लेके चले, मोदी जी उस समय से रथ यात्रा में शामिल होकर पूरा संकल्पित होकर वहाँ पे संकल्प लिया और आज संकल्प उसको पूरा किया, दिखाया लोगों को, आज लोग देख रहे हैं उसको। लेकिन कुछ और पार्टियां जो जलस बस जलती हैं, मतलब कैसे जलती, क्या उन्होंने कर नहीं पाए? अच्छा वो जलती है, हिंदू और सनातन से सनातन को दूर रख। किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? बीजेपी छोड़ सारी पार्टियों ने। अरे जलती हैं, जल तो कुछ और रहा है। कह रहे हैं आप जलते हैं डॉक्टर साहब। जरा मैं पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म के जो अपने को ठेकेदार बता रहे हैं, आज हमारे धर्म के जो हमको लगता है सबसे सम्मानित पद होता है आदरणीय शंकराचार्य गढ़ों का जो है, वो नहीं जा रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि जो है क्यों नहीं जा रहे हैं। जो है अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि श्री राम का जयकारा लगाना चाहिए, शायद इनको पता नहीं किस नगरी से आए हैं, जो है इनको पता नहीं, गांव में जाइए सुबह उठेंगे तो कोई मिलेगा सब कहेंगे जय राम जी की, जय राम जी की, पहले से ही जयकारा लग रहा है। आज ये राजनीति राम के नाम पर राजनीति का जो व्यापार कर रहे हैं ये लोग जो है, आज इसको समझना पड़ेगा, जो यहाँ पर चारों तरफ खड़े हुए हैं उनको जरूर 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 ये दो सवाल रखे इन्होंने कि बोले हमारा समाज तो
जब सवेरे उठता था तो कोई भी मिले जय राम जी की, राम राम इसी से शुरू होती थी। सुबह मैं आऊंगा जी, पहले पहले तमाम हाँ जी, एक मिनट में आ जाऊंगा भैया, तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। क्या नाम है भैया? द्वारिका प्रसाद। द्वारिका, क्या बात है, द्वापर में पहुंच गया मैं जी। बोलिए भैया जी, मैं यह कहना चाहता हूँ, जैसे अभी क्या काम करते हैं जी? यहाँ पे दुकान है। दुकान काहे की है? बस चाय पानी की। अब मजा आया, अब सवाल पूछो तुम, तब समझ में आता है लोग पूछते हैं कि क्यों पूछते हैं। मैं इसलिए पूछता हूँ कि पता तो चले समाज के कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ के भागीदारी हो रही है। सिर्फ पोस्टर और बैनर लगा लेने से, हल्ला मचा देने से क्रांति नहीं होती। समाज में कौन पूछ रहा है, कहाँ से आके पूछ रहा है, क्या सवाल रख रहा है और किस विचारधारा में किस तरह डूबा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या नाम है भैया? द्वारिका प्रसाद। अब बोलो, अब बोलो द्वारिका प्रसाद जी। जी जी, जैसे अभी किसी ने कहा, क्या कहते हैं, क्रेडिट तो मोदी जी को जाता ही है। हाँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आज राम मंदिर बन भी रहा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, उन्हीं के संविधान के अनुसार बन रहा है। आराम आराम आराम। हाँ, उन्हीं के द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार ही आज राम मंदिर बन रहा है। ये एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल शायद छोटी सी एक दुकान लगाता होगा, लेकिन मन में विचार और समाज को जोड़ने की एक संकल्पना लेके आया है। हाथ में कोई पोस्टर नहीं है उसके, कोई पोस्टर नहीं है, लेकिन उसे मालूम था कि यहाँ पे बात रखी जाएगी। हटो सामने, द्वारिका जी का चेहरा देख रहे थे, और जब वो कह रहा है तो कितने आत्मविश्वास के साथ और आंखों में पानी भर के कह रहा है। आगे आओ, तुमसे सच्चा भक्त कोई होगा ही नहीं। आगे आओ द्वारिका, द्वारिका आगे आओ, अंदर आओ और यहाँ आओ, आओ आगे द्वारिका। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो मैंने बस एक चीज देखी द्वारिका तुम्हारे, और वो तुम्हारी आंखें, वो इतनी चमक गई उसमें जो आंखों में पानी था, वो मुझे बस कहने लगा, ना ना सच्चा भक्त तो पीछे खड़ा हुआ था। द्वारिका, मैं पहचान तो नहीं करता किसी की, ना मेरे पास इतना इल्म है ना इतनी ताकत है, लेकिन तुमने कहा कि राम मंदिर बन रहा है तो आज भीमराव बाबा अम्बेडकर के सपना पूरा हो रहा है। ये सपना है उनका जी, बिल्कुल बाबा साहब का यही सपना था, कभी कोई हमारे देश में किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। उन्होंने जो संविधान लिखा सभी के लिए लिखा, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं लिखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मन को छूने वाली बात है, और मन को इतना छूने वाली बात है कि इसमें कहीं यही तो तट रहा होगा ना, जिस पर निषाद और राम का संवाद हुआ होगा, हुआ होगा ना, तो इतना बस सुन लेने से और समझ लेने से अगर आत्मविभोर ना हुआ कोई तो वो कैसा राम भक्त है भाई, कैसा राम भक्त है। आओ, जय हो, और सुनो खड़े रहना यहीं, चाय पीने भी चलेंगे, और ऐसा ही थोड़ी ना, चाय पीने भी चलेंगे। हाँ भाई, डॉक्टर साहब ने तो कहा और सवाल का आपसे, आपकी तरफ इशारा किया कि भाई बताइए कैसे, कहाँ जल रहे हैं? हम तो नहीं जल रहे हैं बिल्कुल, नहीं नहीं जा रहे हैं तो न जाइए, तो अपनी इच्छा पर है, और ईश्वर भगवान जब बुलाते हैं तभी व्यक्ति जाता है, उनकी विशेष कृपा होगी तब उनके पास कोई जाएगा। हम लोग भी प्रतिष्ठित हैं, मैंने कर सेवा भी की है, 500 साल से लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी इस मंदिर के लिए, आज 32 साल से वो त्रिपाल में रहे हैं, आज उनके भव्य ग्रह निर्माण हो रहा है, लोगों को पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा है, हजमा खराब हो रहा है, राजनीतिक रूप देने समझ नहीं आती राजनीतिक दलों को, सबको सम्मान सहित इस धार्मिक कृत्य का स्वागत करना चाहिए। ये बात सच है कि देश दुनिया में आप कहीं भी शो कराइए, लेकिन अगर आप प्रयागराज में वो भी संगम के तट पर शो नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं जो मैं आज एक बार फिर से आपके बीच में मौजूद हूं, यहां बराबर लगातार आता रहा हूं, कुंभ के समय हो या फिर अंदर सिटी में जहां पर शो लगातार करता रहा हूं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अयोध्या तक की यात्रा है, ब्रजभूमि से शुरू हुई है यात्रा, मेरी मतलब है कि कोई मतलब वो यात्राएं तो कहीं चल रही हैं देश में, लेकिन वो ये मेरी वाली यात्रा ये है कि भैया जी कहीं की जो गाड़ी के साथ यात्रा चलती है उसमें उसकी बात कर रहा था। आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं सीधे महाराज आपके पास आना चाहता हूं, वही सवाल रखना चाहता हूं। आपने सुना बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कही, लेकिन इसमें प्रश्न मूल क्या है, मूल प्रश्न क्या है, क्योंकि तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आप संरक्षक हैं, दंडी स्वामी हैं,
मैं जानना चाहता हूं, राम का अभिनंदन हो रहा है, राम का महल बन रहा है, राम का मंदिर बन रहा है, राम का प्रसाद बन रहा है, तो प्रश्न महत्वपूर्ण क्या है, मंगल क्या है, यह जानना चाहता है, क्योंकि समाज का जिसमें मंगल है वही मूल प्रश्न है। उसके बाद मैं आपका आता हूं तीर्थ पुरोहित जी। जी देखिए, मूल तो है कि 5-550 वर्ष से जो अनेकों लड़ाइयां लड़ी गई, राम मंदिर के लिए कुर्बानियां भी हुई, सब कुछ हुआ, और पूरे भारत के जन जन के सहयोग से, उसमें खाली हिंदू नहीं है, जन जन के सहयोग से आज राम मंदिर बन रहा है, ये पूरे विश्व के जन जन की प्रसन्नता की बात है। उसमें कोई शंकराचार्य विरोधी नहीं है, महापुरुष ने कहा, शंकराचार्य वैदिक नियमों का हवाला दे रहे हैं, तो शंकराचार्यों का अधिकार है कि वैदिक नियम से कोई कार्य हो, लेकिन ये कहा गया कि भाजपा का और विश्व हिंदू परिषद का कोई सहयोग नहीं, तो 4-4 सरकारें कांग्रेस ने गिराई थी जब वो ढांचा तोड़ा गया था। भाजपा ने बहुत कुर्बानियां दिया है, विश्व हिंदू परिषद ने बहुत कुर्बानियां दिया है, कांग्रेस की जो ये दशा है उनकी अपनी गलतियों से है, कांग्रेस ने कार्य नहीं किया। एक मिनट। देखिए, ये बात सच है कि दंडी स्वामी बोले तो माइक नहीं हटाया जा सकता, या माइक हट ही नहीं सकता, लेकिन भी ठीक है, हम इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं, वल्गाएं मेरे हाथ में भी हैं, तो वल्गाएं कहां पे एक ढील देनी है, कहां खींच के अलग कर लेनी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये इस पे मैं नहीं अलग हो सकता। तो इसलिए मुझे भी मालूम था कि जहां तक यथोचित धर्म की बात थी वहां तक तो माइक था, लेकिन जैसे ही राजनीति के अखाड़े में बात आई, गुरु जी हट गया माइक मेरे पास। नाराज क्या है, हमसे क्या है नाराज, हमने क्या बिगाड़ा आपका, है ना? बिल्कुल क्या बिल्कुल, आप तो सवाल हमसे सवाल ले रहे हैं, उसका जवाब हम दे रहे हैं और आपसे जवाब लेंगे। इनसे क्या जवाब लोगे, मंदिर बन रहा है? नहीं भाई, मंदिर बन रहा है ये लोग अपने। अच्छा मंदिर बन रहा है, श्रेय इनको नहीं, जवाब इनसे। तो सवाल किए हो तो पूरा जवाब ले। अब आया, अच्छा हिंदू धर्म और सनातन धर्म वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है, कहती पूरा विश्व हमारा है। वासुदेव कुटुंबकम की बात हम लोग करते हैं, हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा है, हम कहीं कथा पूजा कुछ भी करते हैं, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। और बात कहां पे आ जाती है, हिंदू मुसलमान पे, सिख और ईसाई पे, ये सब क्या है? आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हो, देश पे एक सैनिक रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए खड़ा रहता है, जब मणिपुर में मैं पूछूंगा। जब माइक दंडी स्वामी जी से हटा लिया तो मैं राजनीति तो करने आपको भी नहीं दूंगा, इसमें कहीं नहीं। जरूर आपके मौका आएगा, चुनाव का भी समय है, 24 में मैं खुद दूंगा माइक आपको, जहां जाना होगा आप जाइएगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत अच्छी बात आपने कही और मन जो है प्रसन्नता से खिल गया। आपने कहा कि जब कुर्बानी या देश में जब निर्माण की बात आई तो सिर्फ हिंदू ही नहीं, सभी जगह से सहयोग आया, ये बहुत अच्छी बात और धर्मगुरु के बात से निकली। जी मैं एक वाक्य आपसे, उसके बाद फिर आगे। जी महाराज खड़े होना पड़ेगा। जी देखिए, सबसे पहले तो त्रिवेदी जी, आपका प्रयागराज में संगम क्षेत्र में तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से, तीर्थ पुरोहित तो सबसे मेन आदमी होता है, और न्यूज 18 का भी, जिसके सहयोग से ये सब चीज हो रहा है। हाँ। राम मंदिर भव्य बन रहा है, इसके बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म नीति के अनुसार ये कार्य सुचारू रूप से सबके सहयोग से पूरे विश्व का कल्याण की बात से ये चीजें हैं। मवी महाराज जी ने भी ये कहा कि ये पूरे विश्व का कल्याण है। किन्नर समाज भी बैठा, किन्नर अखाड़ा भी बैठा, मुझे तो बहुत देख के बहन आपको बहुत खुश हुआ महाराज, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। जी तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, आमंत्रण की बात जहां तक सुनने में आ रही है, हमारे यहाँ हर साल माघ मेला लगता है, लाखों लोग आते हैं, किसी को निमंत्रण नहीं जाता, अपने आप आते हैं। अभी कुंभ में आप आएंगे, 40 करोड़ की संभावना अभी से सरकार के लोग आंकड़ा बैठा ले हैं कि हमें 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था यहाँ करना है। किसी को निमंत्रण गया है क्या? हमें श्रद्धा है, भक्ति है, तो स्वयं जाते हैं। आपको संगम से प्रेम है, ईश्वर में आस्था है, विश्वास है, आप स्वयं आए ना, किसी को निमंत्रण की नहीं। मौत का निमंत्रण किसी को आता है?
अरे गजब जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बोलना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मित्रा कैथवास। जी जी। कहाँ के रहने वाली है? प्रयागराज की। प्रयागराज की। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है जी। मुझे ये बोलना था कि ये जो जो कमल की बात हो रही है, जो राजनीति की बात होती है, कमल कौन सा? भाजपा जो आजकल अपना ही नाम जो है लेना अच्छा, चाहती अच्छा, है अच्छा। सर मेरा कहना ये है कि जन जन हर एक व्यक्ति जो है वो सहयोग दे रहा है। एक छोटी सी गिलहरी भी राम सेतु में सहयोग दी थी, तो यहाँ पर सिर्फ राजनीति का मुद्दा लाकर ही क्यों जो है अपना नाम मोदी जी ही लाना चाहते हैं? सब जन जन को लोगों को कहना चाहिए ना। तो सर यहाँ सनातन धर्म को, अगर सनातन धर्म की बात हो रही है तो हर व्यक्ति यहाँ, ना मुस्लिम ना हिंदू, इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति चाहता था कि राम मंदिर बने और पूरा विश्व इस समय जयकारा लगा रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत संतुलित बात कही जी। भैया जय श्री राधे। सर मेरा नाम राजन ओझा, मैं संत कबीर नगर जिले से बिलोंग करता हूँ। सर जैसे मेरा भाई, देखिए एक मिनट जोर जोर से बोले। हाँ जी। जैसे मेरा भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों से सवाल है। जैसे अभी महोदय ने कहा कि मैं अपनी आस्था से वहां पे जाऊंगा, दर्शन करूंगा, तो सर आस्था तब कहां चली गई थी जब कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया था और सरजू नदी को लाल कर दिया गया था। और जैसे भाजपा के महोदय बैठे हुए हैं, कन्हैया मित्तल का एक भजन आया है जैसे वो गाए हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सर किसी की क्षमता नहीं है जो राम को ला सके, राम वहां से पहले से ही है, किसी की क्षमता नहीं है वहाँ राम जी। बिल्कुल सर, बात सुनी पहले, बिल्कुल सुनी जी। हाँ जी बोलिए। आस्था का विषय है राम, हमारा इस्कॉन मंदिर 50,000। कहाँ से हैं आप? कानपुर, कानपुर विकास गुप्ता में। कानपुर, अच्छा जी बोलिए। जी जी जी। इस्कॉन मंदिर हमारा 50,000 प्लेट प्रतिदिन वहाँ पे राम भगवान के स्वागत में सभी भक्तों को किसी भी धर्म। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा क्या करती हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में क्या कर रही हैं? हम यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद क्या है विचार? अब आगे सिविल लाइन वगैरह मतलब ज्वाइन करने का सोच। बहुत अच्छा, बहुत बहुत यहाँ पे प्रयागराज में तो सीधे वही होता है जी। बोलिए। हम ये बोलना चाहते थे कि राम मंदिर 500 वर्ष बाद बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, कोई मतलब नहीं। 22 तारीख को राम आ रहे हैं, इसकी खुशियाँ मनानी है। कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे, ये सब सवाल गौड़ है जी। जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र जायसवाल है। जायसवाल साहब क्या काम करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का छात्र हूँ, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का। अच्छा, हर आदमी पॉलिटिकल साइंस का ही है यहाँ पे। प्रयागराज में जैसे कि आपका भी ये संगम नगरी में आपका भी संगम सजा हुआ है, जहाँ पर धर्म, राजनीति और समाज, इन तीनों का संगम है। और जब राजनीति, एक मिनट भाई आराम, रुको, मजदूर आदमी भी बोल रहा है। और जब राजनीति धर्म के अनुसार होती है तो वो राजनीति हम देख रहे हैं आज विश्व स्तर पर हो रही है। आज आप देख लीजिए राम मंदिर अयोध्या में बन रही है, वहीं अबू धाबी में 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को अबू धाबी में, जो कि मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मोदी जी को इन्विटेशन मिला है, वहाँ पे एक राम मंदिर बनी है, उसका इनॉग्रेशन करने मोदी जी आएंगे। और दूसरी बात, हमारी बहन जी ने कहा कि सुबह मोदी जी को टारगेट, पहली बात तो ये कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं देख लिया दोबारा। पहली बात ये कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बस एक जागरूक छात्र होने के नाते और सनातन धर्म का प्रचार और उसको मानने के नाते मैं ये बात कहना चाहूंगा। जैसे बहन ने कहा कि जो जो समुद्र पथ पर बना, जो उस पर गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था, तो उन्होंने मोदी जी को कहा कि मोदी जी श्रेय ले रहे हैं। मैं उनको ये बात कहना चाहूंगा, 2007 में कांग्रेस ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को तोड़ने की अपील क्यों की थी और सुब्रमण्यम स्वामी ने तब उसको डिफेंड किया था अगेन। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, सर ने कहा, कांग्रेस के लीडर ने, कि हम जब चाहेंगे तब हम जाएंगे, ये कौन होते हैं हमें बताने वाले, हमें कब जाना है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, 1949 द डीएम ऑफ अयोध्या वॉज के नायर, उस समय पे भगवान श्री राम प्रकट हुए मस्जिद में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का वो वर्क था कि वो उसको कैसे संभाले, डीएम का। और मैंने आपकी बात सुनी, नहीं, मैं एक बात, मैं एक बात जल्दी से कहेंगे तो बहुत अच्छा, और भी लोग बोलेंगे। मैं जल्दी कह रहा हूँ, उस समय जैसे ये कहते हैं कि राम किसी के नहीं है, राम किसी, तो मैं ये बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जब 1992 में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ा था तो उनका प्रोपेगेंडा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, भले ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है परंतु ये जागरूकता का मुद्दा है। और 1940 बहुत अच्छी बात, बहुत बोला। हाँ अब एक काम करते हैं, आप भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मतलब ऐसा है कि मैं अभी जा रहा हूँ, 24 में लौट के आ रहा हूँ।
पक्का 24 में लौट के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आऊंगा, वहीं दोनों डिबेट करूंगा। जी 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 बोलिए। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब कोरोना का टीका आया था तो लोगों ने ये कह के मना कर दिया कि ये भाजपा का लाया। भाई देखो ऐसे नहीं बहस होगी, ये भाजपा का लाया टीका है, इसको हम नहीं लगवाएंगे, और लोगों को आह्वान किया इस मुद्दे पर कि वो भी टीका ना लगवाएं। तो ये राम मंदिर का मोदी जी श्रेय ले नहीं रहे हैं, लोग उनको दे रहे हैं। पहली बात ये कि ये राष्ट्रीय है, राम राष्ट्रीय है, भारत के प्रतीक है, और ये हम सबकी प्रसन्नता है कि बहुत अच्छी बात है। मैं एक कॉर्पोरेटर से नहीं सवाल पूछ रहा हूँ, एक कोई संभावनाओं का केंद्र खड़ा हो सकता है सामने, आपका टाइम काट के मैं उसको देता हूँ, और बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में ऐसा ही होना चाहिए, है ना जी। जी पहले आपका। हमारे समझ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सब किसी का पहले श्रेय है तो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, सुप्रीम कोर्ट को जाता है। जी मुझे केवल इतना बोलना है। क्या नाम है बेटा? अनमोल। आगे आओ, क्या नाम है? अनमोल। अनमोल, अच्छा क्या कर रही हो? मैं इस टाइम 11th कर रही हूँ, 11th में, 11वीं में। सुनो पॉलिटिकल साइंस, मैं बस इतना चाहूंगी, अयोध्या में हमारा राम मंदिर बन रहा है मिस्टर हमारे प्रियम नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसे हमें बहुत खुशी है, इसे हमें भी और हर धर्म के व्यक्ति को खुशी होना चाहिए। भगवान तो हमारे हैं, हर भगवान राम हम सब के भगवान है, इससे हर धर्म के व्यक्ति को खुशी होनी चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ईश्वर ने हमें सबको पैदा किया है, किसी ने धर्म रिलीजन किसी ने नहीं बनाया, वो तो हम पृथ्वी पे आके रिलीजन। बहुत जी, 11वीं में हो ना, 11वीं के हिसाब से तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा था। जी बहुत बढ़िया। जी मेरा नाम है मोहम्मद असलाफ। मोहम्मद असलाफ। मोहम्मद असलाफ। मोहम्मद असलाफ। आगे आ जाओ। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोर्ट का जो फैसला हुआ है बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इस पे विपक्ष बहुत तगड़ी राजनीति करता था, हम मुसलमान समाज को डराता था कि तुम्हें जान से बीजेपी मार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। बहुत अच्छे सुकून से हम जी रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान योगी मोदी जी का, क्योंकि कोई मुकदमे की अगर पैरवी करोगे तभी जीतोगे, मोदी योगी ने इसकी पैरवी करी है, तो राम जी आ रहे हैं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझ पर पैसे नहीं है, बैटरी रिक्शा चलाता हूँ, राम जी सीने पर बंधवा के जाना चाहता हूँ, बस मुझ पर पैसे नहीं है। पैसे नहीं है जी? अरे तो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, सब देंगे तुम्हें, भेजेंगे खर्चा उसमें 50। हाँ जी खोले खड़े हुई जी। सर्वप्रथम तो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जी वर्ष 2014 के पहले धर्म में राजनीति होता था, और 14 के बाद राजनीति में धर्म आया, तो जब राजनीति में धर्म आया तो अधर्म का नाश हुआ, और अधर्म का नाश हुआ तो राम जी की कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया,